हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.1। और डिटरमिनेंट का जो बेसिक्स है, आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया, तो भाई देखो, इस वीडियो को देखने का फ़ायदा तभी है जब आपने बेसिक देखा हो। अगर नहीं देखा तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाइए, देख लीजिए, बेसिक्स को समझ लीजिए, उसको समझने के बाद फिर इस वीडियो पर आइए। तो यहाँ पर जो हम पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1 में से, फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट जब 2/2 का डिटरमिनेंट हमने उसमें सीखा था कैसे हम निकालते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे एक्स प्लस वन से, फिर माइनस का साइन, एक्स प्लस वन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी बनती है एक आइडेंटिटी। अब आप लोगों को याद है आइडेंटिटी या याद नहीं है मैं कह नहीं सकता, ये आइडेंटिटी बनती है आपकी a क्यूब प्लस b क्यूब की। यानी आंसर इसका ना a क्यूब ऐसे आएगा x क्यूब प्लस वन। अगर आइडेंटिटी आपको आती है तो आपका काम बड़ा आसान है, अगर आइडेंटिटी नहीं आती है इनकेस तो आपको सारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को पहले इससे करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है, हमारा आंसर ये आता है नहीं आता। फिर एक्स स्क्वायर को वन से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस एक्स को इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को वन से करेंगे, फिर वन से इसको करेंगे और इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, आपके पास आना यही है। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी याद है तो आपका टाइम बचेगा, नहीं याद है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। उसके आगे क्या है, माइनस, इसकी आइडेंटिटी तो आई थिंक आती होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर देखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टू, ये आपका आंसर आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दे दिया है इसने, अब गलती से दे दिया, कैसे दे दिया MLG ने, क्योंकि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आपको नहीं करनी, ठीक है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसा दिया है कि अगर आपने 10th क्लास में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। मैं करा देता हूँ, cos 90 और sin 45 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस sin 90 और इनटू में माइनस cos 45। तो जो cos 90 है उसकी वैल्यू होती है 0। अब 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे, 0 ही रहना है। वैसे sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sin 90 की वैल्यू होगी 1, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे। ये तो 0 हो गया, ये माइनस मिलकर बन गया प्लस, तो आंसर आ गया आपका 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको भी डिटरमिनेंट ही फाइंड करना है, यहाँ पर 3/3 मैट्रिक्स है। अब डिटरमिनेंट में जब हमने बेसिक करा था, हमने तो ये सीखा था कि डिटरमिनेंट आप कैसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी का मतलब कि आप फर्स्ट रो से भी निकाल सकते हो, सेकंड रो से भी निकाल सकते हो, थर्ड रो से भी निकालो, कॉलम से निकालो, जैसे भी निकालो, आपको चूज़ कैसे करना चाहिए। वहाँ पर देखो, जीरोज वहाँ पर है या नहीं है, जितने ज़्यादा जीरो आपको मिल जाए किसी रो या किसी कॉलम में वहीं से एक्सपेंड करो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम वन के अंदर दो जीरो हैं, तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड यूजिंग कॉलम वन। रो की जगह आप यहाँ पर कॉलम से जाओ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ माइनस वन लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस कॉलम रो को छोड़ देते हैं, इस कॉलम को छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हमने बेसिक में इसको डिटेल में करा था कि भाई आपको ऐसे ऐसे लिखना है फिर सॉल्व करना है। अब हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि हमने इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, तो हमारे पास ये बच गया 5 × 20 100 हो गया, फिर माइनस का साइन, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा, आंसर आ जाएगा -100। आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इधर आपने इससे सॉल्व किया, ये दोनों तो जीरो हैं, इनके साथ अगर कुछ भी आप लिखोगे तो आंसर जीरो ही आना है। तो हमारे पास -100 आंसर आ गया। सेम ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो रो वन है इसके अंदर दो जीरो हैं, तो यहाँ पर इसको आप एक्सपेंड करो रो वन से, एक्सपेंड विद रो वन। तो यहाँ पर 2 लिया हमने, अब इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, हमारे पास बता 3 × 7 = 21 −64 × 0 0 आ गया, 21 × 2 = 42, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि आपको ये डिटरमिनेंट दिया है, आपको कोफैक्टर बताना है इस एलिमेंट का।
तो ये जो स्मॉल ए से डिनोट करते हैं ये तो होता है एलिमेंट, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल से, तो यानी कैपिटल टू ए निकालना है। तो कोफैक्टर में हमने क्या सीखा था कि जिस रो या एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हो आप उसको कम्प्लीटली डिलीट कर दो, सेकेंड रो को डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, आपके पास क्या बचा 6 3 18 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 21, तो यहाँ पर आया -3। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप कोफैक्टर निकालते हो तो एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि अगर इसका आई और जे का सम ऑड दिया होता है तो इसके साथ आपको माइनस साइन भी लगाना होगा, यानी जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ -3 आना था लेकिन बाहर माइनस हो गया, उस वजह से ये आ गया आपके पास +3। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कहता है कि राइट द वैल्यू ऑफ A32 मतलब एलिमेंट इन टू में उसका कोफैक्टर, यानी यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम A32 निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखो इसका सम ऑड है, इसका सम ऑड है तो जो भी आंसर आएगा माइनस साइन उसमें साथ आप लगा देंगे। अब थर्ड रो को छोड़ना है, सेकेंड कॉलम को छोड़ना है, 2 4 8 माइनस 6 5 30, तो ये आ गया -22 और माइनस एक बाहर है +22। अब आपसे वैल्यू पूछी है उसने A32 इनटू में कैपिटल A32, तो स्मॉल A32 का मतलब हो गया एलिमेंट, A32 का एलिमेंट ये था हमारा 5, तो यहाँ तो हम रखेंगे 5 और ये हमने निकाला 22, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, आंसर आ गया आपका 110। क्वेश्चन नंबर 4th, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x+5 × 9 -3 × 5x+2 = 0। मल्टीप्लाई करो 9 2 18, 9 5 45, 3 5 15, ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस हो जाएगा, 3 2 6, 18 - 15 आ गया 3, 45 - 6 आ गया 39, 39 को आप उस साइड लेके जाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -13। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, सेम तरीका रहेगा x+2 × 4 -3 × x+5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x+8 -3x - 15, 4x - 3x, x बच गया, 8 - 15 -7, इसको उधर लेके जाओगे x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इस तरह से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, यहाँ भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपको जब कंडीशन दी होगी ना इस कंडीशन का यूज़ और करना है। पिछले क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी थी, जो x की वैल्यू आ गई जैसी आ गई वैसी की वैसी आपको रखनी है, क्योंकि x वहाँ पर रियल नंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर x इसने कहा कि भाई नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो जब आप यहाँ इसको सॉल्व करोगे, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो आएगा x²-12, इधर से सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4 - 0, तो ये +12 उधर इधर जाके +12 हो जाएगा, यानी 16 बन गया। x की वैल्यू आएगी ±4 अगर आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो। लेकिन उसने बोला क्योंकि x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर x मस्ट बी इक्वल्स टू ओनली 4 नॉट -4। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, यहाँ पर कहता है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में मतलब नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दें, 2x² -3, यहाँ पर करोगे 9 - x, तो ये बन गया 2x² + 3, इसको भी इधर ले आओ -9 और +x, तो ये आ गया 2x² + x - 6 = 0। इक्वेशन आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए आपके पास -12। फैक्टर्स तो सबको आते होंगे ना सही से बनाने, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों को आते हो, किसी को नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो 2 6 - 12, -12 के फैक्टर करेंगे जिससे 1 आ जाए, तो एक फैक्टर आएगा 4x, दूसरा आएगा -3x, यहाँ से कॉमन निकाला 2x + 2, यहाँ से -3 कॉमन x + 2, तो एक फैक्टर आ गया आपके पास x + 2, दूसरा फैक्टर आ रहा है 2x - 3,
तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे माइनस टू आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3/2 आएगी। अब उसने बोला कि जो x है वो इंटीजर है, अब इंटीजर है तो ये तो इंटीजर में आएगा नहीं, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, सिर्फ आप x की वैल्यू लेंगे माइनस टू। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि डिटरमिनेंट, ये मैट्रिक्स दी है आपको, ये शो करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार तो मैट्रिक्स को A2 से मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकालना है, एक बार डिटरमिनेंट निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले डिटरमिनेंट ही निकाल लेते हैं, 2 - 8 - 6 आ गया, और 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ गया। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कहता है कि 2A चाहिए पहले, तो आपको 2A का मतलब है मैट्रिक्स में सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आप ऐसे लिख लो या फिर सीधा डिटरमिनेंट निकाल दो बेशक, 4 * 8 - 32 आंसर आ गया -24। इसका आंसर भी -24 है, इसका भी -24 है, इसका मतलब 4 times ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A = डिटरमिनेंट ऑफ 2A। इसको इधर लिख लो या उसको उधर लिख लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट ही फाइंड करना है। डिटरमिनेंट एक पार्ट में यहाँ पर कर देता हूँ, एक पार्ट आप खुद ट्राई करके देखना, डिटरमिनेंट हम अब तक करते आ चुके हैं कई सारे। अब यहाँ पर देखो, अगर हम रो 1 को लेते हैं तो 10 है, रो 2 को लेते हैं 10 है, रो 3 को लेते हैं 10 है, तो एक ही 0 मिल रही है हमें, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो। तो एक्सपेंड विद रो 1, 0 नहीं मिलती तो नॉर्मली हम वैसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ 0 के आगे तो कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर अंदर क्या आएगा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला स्टेप ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ लिखेंगे। अब ये वाला जब टर्म लेते हैं तो इसका साइन चेंज करके लिखते हैं, तो यहाँ माइनस है, क्यों साइन चेंज करते हैं, बेसिक वाला आई थिंक देख लिया होगा आप लोगों ने, तो ये +1 हो जाएगा। इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 0 - ये आ गया यहाँ पर -6, उसके बाद ये वाला एलिमेंट आएगा 2, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे -3 - इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 को ये -, हो गया +6, 6 को 1 से करोगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर -6 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो आ गया 0। ऐसे आप जो सेकंड वाला पार्ट है सेम इसी तरीके से डिटरमिनेंट आप सॉल्व कर सकते हो, और आई होप आप सॉल्व कर लोगे। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है, तो निकालना यहाँ भी डिटरमिनेंट ही है। अब यहाँ पर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं 1 * इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे आएगा 1 - -c। जब यहाँ पर बाद वाले में माइनस आ रहा है तो आप डायरेक्टली प्लस लिख सकते हो, आगे जाके हम धीरे धीरे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। -a, इस रो को छोड़ा हमने, इस कॉलम को छोड़ दिया, तो -a फिर -sin - bc +b। अब इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, यहाँ से आ गया ac माइनस, इधर से आ गया -b। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + c। ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा +bc, इधर से आ जाएगा ac + b। अब मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट खोलो, यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे ये रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा a² - ab c, इधर से आ जाएगा आपके पास +ab c प्लस में b². अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा मिस्टेक ये रहेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे करेंगे तो c² आएगा यहाँ पर भाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 1 + a² + b² + c², और यही आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज होगी पूरी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, कंटेंट आपको बेनिफिशियल लग रहा है अपने लिए, तो चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो, ताकि पूरे साल आप लोगों का, हम लोगों का साथ बना हुआ है, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड कर लूँ आप तक वो तुरंत पहुँच पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Jungle.